तो का बहुत बड़ा विवाद हो गया था, बहुत बड़ा बवाल हो गया था इस मुद्दे पर। अब राजेंद्र पाल गौतम को आम आदमी पार्टी की सरकार ने ये एमसीडी चुनावों का स्टार प्रचारक बना दिया है, ये हैरान करने वाली खबर। उनका पहले इस्तीफा हुआ था और अब स्टार प्रचारक बना। एक संगीरागी साहब एक कमेंट आप करना चाह रहे, उसके बाद मैं आ रहा हूँ डॉक्टर अहमद, लेकिन इस पर गौतम पर एक कमेंट, उसके बाद मैं आगे बढ़ रहा हूँ। देखिए देखिए अमन जी, आम आदमी पार्टी ने यह जानबूझ करके किया है। उनको पता है कि वो एक तो गुजरात के चुनाव को साधने की कोशिश कर रहे हैं, उनको लगता है कि मुसलमानों का जो 10% वोट बैंक है। नहीं नहीं सुनिए, मैं आपको बता रहा हूँ इसके पीछे राज, इसके पॉलिटिक्स को देखिए। मुसलमानों का जो 10% गोलबंद जो मुट्ठी जो खुलता है कांग्रेस पार्टी के लिए गुजरात में, उस वोट में आम आदमी पार्टी गहरा डेंट करने जा रही है इनको विवादित छवि को ला करके। उनको पता है कि गुजरात गुजरात में वो जीतने नहीं जा रहे हैं, लेकिन कांग्रेस को वहां से खदेड़ने की स्थिति में वो आ जाएंगे यदि मुसलमान हैरान कर देने वाला फैसला। दूसरी बात, आपके पास दूसरी, आ रहा हूं, लेकिन उससे दूसरी बात शायद आम आदमी पार्टी को इस बात का एहसास है कि यहाँ पर एमसीडी चुनाव में चुनाव हार रही है, क्योंकि उसको पता है कि बहुत बड़ी खबर है। इस कोई भी व्यक्ति यदि इस प्रकार का आम आदमी पार्टी का हिंदू देवी देवताओं को गाली देगा तो हिंदू समाज एकजुट होकर के आम आदमी के पार्टी के खिलाफ वोट जरूर देगा। मतलब ये तो इनाम दिया गया, हैरान करने वाली चीज है, बड़ी खबर है इस वक्त की। जो तस्वीर आप देख रहे हैं हिंदू आस्था परिवार आपके साथ, आपको याद होगा राजेंद्र पाल गौतम एंटी हिंदू शपथ उनकी तरफ से ली गई थी, हिंदू देवी देवताओं के बहिष्कार की शपथ ली गई थी, उसके बाद उनका इस्तीफा हुआ था। उसके बाद उनका इस्तीफा हुआ, लगा कि रियलाइजेशन है गलत, उन्होंने कहा मंत्री पद छोड़ा लेकिन स्टार प्रचारक बना दिया। ये बहुत बड़ी खबर है। चलिए अब डिबेट पर लौट रहे हैं, अब अपनी डिबेट पर लौट रहे हैं। आरक्षण दलित मुसलमानों दलित ईसाइयों को क्या आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए, ब्रेक से पहले आप डॉक्टर रिजवान अहमद, अब मैं आपके पास आ रहा हूं, आपने सबका पक्ष सुना डॉक्टर रिजवान अहमद, अब आप बोलिए। जी 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 अमन भाई, क्रिकेट सबने खेला है, आप देखते होंगे जब क्रीज से आदमी बाहर निकल के शॉट मारता है और गेंद मिस हो जाती है तो बल्लेबाज एकदम से क्रीज में बल्ला रखता है ताकि स्टंप ना हो जाए, सबने देखा होगा। तो ये जो क्रीज है ये संविधान है और क्रीज के बाहर शरीयत है, तो भाई लोग शॉटे बाहर निकल निकल के क्रीज के मारते हैं, जब गेंद मिस हो जाती है तो पलट के बल्ला क्रीज में रख देते हैं, यानी संविधान में रख देते हैं। डिबेट को आधे घंटा बीत गया, आपने आज शरीयत शब्द नहीं सुना होगा, सुना आपने? सुना आरक्षण की व्यवस्था शरीयत या धर्म के आधार पर है क्या रिजवान साहब? एक एक करके सुन लो, बीच में ना बोला करो यार, मैंने रोक दिया एक एक करके। तुम लोगों को बड़ा मुंह में डायरिया है, बीच में ना बोला करो। हां ठीक है, ऐसे नहीं शरीयत ला रहे हैं। एक मिनट भाई, वो खुश हो रहे हैं आज में, एक मिनट सरवर साहब, एक एक करके एक एक आज रिक्वेस्ट। संविधान आज बोल रहे हैं, अच्छा लग रहा है। मैंने बोला ना गायब है, अजीज खान भी आज यूसीसी की बात कर रहे हैं, आप सबको संविधान याद आ रहा है, वो उसी की बात कर रहे हैं। एक एक करके प्लीज रिक्वेस्ट कर रहा हूं, ठीक एक मिनट एक एक करके प्लीज। अब आज शरीयत गायब हो गई, चलिए कोई बात नहीं गायब हो गई, अब मुझे लेकिन मैं तो गायब नहीं होने दूंगा। मुझे लगता है जानबूझ के कर रहे हैं क्या। अब मुझे भाई लोगों से ये पूछना है, अजीज खान भाई ने बोला कि जब दलित हिंदू मुसलमान होता है तो उसे आरक्षण क्यों नहीं मिलेगा? नहीं, वो मुसलमान नहीं हो रहा है, वो दलित मुसलमान हो रहा है, दलित मुसलमान। अब आप जितने भी यहां मुसलमान बैठे हैं, मुझे वो कुरान शरीफ की आयत बताओ जहां पे दलित मुसलमान पिछड़ा मुसलमान जैसे इंसान का जिक्र है जो इस उम्मत में होगा। कोई ऐसी आयत या हदीस है तुम लोगों के पास, या आज सिर्फ संविधान खेलना है? शरीयत को आज किनारे कर दें डिबेट में, कोई ऐसी आयत है तो? अच्छा मैं आपसे पूछता हूं एक चीज डॉक्टर रिजवान अहमद, था ना अरब ना नॉन अरब, ना काला ना गोरा, सब बराबर हैं। तो क्या इस्लाम धर्म में जाति आधारित जातिगत ऐसी कोई चीज नहीं होती? जातिया जातिगत कुछ नहीं होता, मतलब आप ये कह रहे हैं? हाँ, ये कहां से लाए हो, कहां से पकड़ के लाए हो? दलित मुसलमान का सैयद कैसे लिखूंगा? एक मिनट सरवर साहब, एक मिनट। हाँ, आपका सवाल हो गया, अब आप बोलिए। अब एक मोहम्मद सरवर बोलेंगे, वो जवाब देना चाह रहे हैं आपको। एक एक करके मैं एक चीज बता रहा हूँ आपको, मेरी डिबेट में कोई बीच में नहीं, अपनी टर्न पर बोलेंगे। डॉक्टर रिजान अहमद का सवाल आपने सुना, आप जवाब देना चाह रहे दीजिए। देखिए हाँ बोलिए, किसी भी चीज को अगर गोल मटोल करना हो तो उसके लिए बहुत सारे रास्ते हैं। ये डिबेट विशुद्ध रूप से संवैधानिक है, सुप्रीम कोर्ट में जो एफिडेविट दिया जो डॉक्टर, एक मिनट सरवर साहब, एक एक करके जो उन्होंने सवाल पूछा कि
शरिया कुरान में कुछ ऐसा है दलित मुसलमान पिछड़ा मुसलमान जातिगत ऐसा कुछ है दलित वो जो पूछा उन्होंने क्या ऐसी व्यवस्था है क्योंकि कोर्ट में केंद्र ने भी कहा है कि जाति आधारित छुआछात या उत्पीड़नकारी व्यवस्था के इस तरह के आंकड़े इस्लाम या ईसाई धर्म में नहीं है तो क्या जाति आधारित उत्पीड़न या जाति आधारित छुआछात छुआछूत या दलित पिछड़ा ये सब है इस इस्लाम में या ईसाइयत में ये उनका सवाल है बताइए हो गया कंप्लीट हाँ, सवाल इसी का जवाब दीजिए सैयद रिजवान साहब चूंके सैयद है और नाम के आगे ठोक कर लिखे हुए भी हैं इसलिए पहले ये समझ ले कि इस्लाम में बिरादरी है या नहीं है कुरान ने वर्गों में बांटा है या नहीं बांटा लेकिन भारतीय मूल के मुस्लिम बांटा है या भारतीय परंपरा के अनुसार बटे हुए हैं नहीं नहीं पहले ये गलत बांटा है या नहीं बांटा ये बताइए जो उन्होंने पूछा इस्लाम के हिसाब से क्या जातिगत व्यवस्था है क्या जातियां हैं इस्लाम ये दलित मुसलमान है ऐसा कुछ है क्या अब बोलने दीजिए अरे है या नहीं है नहीं मैं बोल तो रहा हूँ हाँ या ना है या नहीं है बिल्कुल पर मैं क्या है या नहीं है मैं कंप्लीट कर रहा हूँ अरे है या नहीं है बता दीजिए बस है या नहीं है मैं जो बातें कह रहा हूँ क्या दलित मुसलमान इस क्या इस तरह की जातिगत व्यवस्था है भारतीय इस्लाम में है इस्लाम में नहीं है भारतीय इस्लाम में है अच्छा, इस्लाम इनके में लोगों ने अशराफ अजलाफ अर्जाल क्यों लिखा उन सैयदों ने किताब में अशराफ अर्जाल और अजलाफ जो लिखा तो ये चुप क्यों थे सैयद वाले लोग इन अशराफ मुसलमानों से पूछता हूँ कि आपने जब इस्लाम में नहीं था तो आपने आज पसमानदा टर्म इतने सालों से चल रहा है आज भारत के स्वतंत्र हुए 75 वर्ष हो गए अशराफ अजलाफ अर्जाल उन किताबों में लिखा जिसको इस्लामी किताब इन लोगों ने कहकर पेश किया था तब आप चुप क्यों थे आज जब लाभ लेने की बात आती है तो आप कहते हो इस्लाम में नहीं है अरे सामाजिक उत्पीड़न हमारे यहां भी है साहब जाति की चोट पर इतने बड़े चैनल पर कह रहा हूं नहीं नहीं सर एक मिनट जाति आधारित दलित मुसलमान या इस तरह की चीजें हैं बिल्कुल है आपने बोला भारतीय इस्लाम इस्लाम में नहीं है कुरान में नहीं दोनों दो इस्लाम है डॉक्टर रिजवान ने पूछा कुरान की कोई आयत कोई वर्सेस कहीं ऐसा कुछ जिक्र कुरान में वही है जो सनातन धर्म में कर्म प्रधान वजअलनाकुम शुउबन व कबाइल लितआरफू इन अकरमकुम इंदल्लाह यत्काकुम शोबे और कबीले हैं बिरादरियां हैं कुरान ने भी कहा लेकिन दलित मुसलमान नहीं उस आधार पर दलित मुसलमान छोटा नहीं हो सकता ये कुरान कह रहा अच्छा नहीं हो सकता नहीं एक अब रुकिए एक मिनट एक नहीं एक मिनट लिखा ही नहीं एक मिनट सर्वे साहब नहीं हो सकता नहीं हो सकता यानी कि जाति आधारित भेदभाव नहीं है नहीं है इस्लाम मुझे भारत के मुसलमानों ने लिखा फिर वही यही बात समझिए भारत के मुसलमानों ने लिखा रुकिए सर्वे साहब रुकिए केंद्र ने कोर्ट में कहा जाति आधारित उत्पीड़न भेदभाव छुआछूत नहीं है इसलिए आरक्षण नहीं अब है भारत है। के मुसलमान में इस्लाम की बात कर रहा हूं मैं इस्लाम में नहीं है भारत के मुसलमानों में उपाध्याय बोलेंगे अब इस्लाम के नाम पर भारत में जितने संगठन चल रहे जमीयत उलमा हिंद जमाते इस्लामी जमीयत आले हदीस मुस्लिम मजहब मशावरत पर्सनल लॉ बोर्ड जरा सैयद रिजवान साहब बतावे उसमें हलालखोर चमेला नट कलंदर बखो डफाली मीरासी मिर्शिकार अब्बासी हलालखोर हेला कोई बिरादरी के लोग हैं क्या क्यों नहीं है यही तो सवाल पैदा अच्छा डॉक्टर रिजवान पहले आप जवाब दे दीजिए अश्विनी जी माफी चाहूंगा मुझे 30 सेकंड और दे दीजिए ये क्लियर हो जाएगा भैया ये है या नहीं है मुझे तो नहीं पता मैं इस्लाम का जानकार एक भी ना मिलेगी ये दोनों 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 इस्लाम के जानकार हैं सरवर साहब और रिजवान साहब आप आपस में तय कर लीजिए है या नहीं है डॉक्टर